एग्जाम्पल फोर में कह रहे हैं बेटा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा एबीसी और जिसमें राइट एंगल कहां पे बन रहा है बेटा बी पे बन रहा है। तो यस यहां पे बेटा हम बनाते हैं 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल बी पे। और अब दूसरी चीज क्या है बेटा ए है और सी है, तो ए और सी आप बेटा कहीं भी ले सकते हो, जैसे मैं यहां पे ए ले रहा हूं यहां पे और सी ले रहा हूं यहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ टैन ए इक्वल्स टू वन, यहां पे उसने गिवन में क्या दे दिया आपको, गिवन में कह रहा है टैन ए इक्वल्स टू वन, टैन ए का उसने बेटा आंसर क्या दे दिया आपको यहां पे वन दे दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है बेटा, आगे कह रहे हैं देन वेरीफाई दैट, आपको क्या वेरीफाई करना है बेटा, क्या आपको वेरीफाई करना है यहां पे, टू साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू वन, टू साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू वन, यानी कि अगर मैं यहां पे साइन ए और साइन कॉस ए की वैल्यू डाल दूं और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर वन आना चाहिए, ऐसा आपको प्रूफ करना है, यानी कि एलएचएस और आरएचएस आपको प्रूफ करना है बेटा। तो देखो कैसे करेंगे इसको प्रूफ, प्रूफ करने के लिए मैं यहां पे कैसे सॉल्व करूंगा बेटा इसको समझते हैं। देखो मुझे यहाँ पे लेकिन इसकी वैल्यूज तो कोई दी नहीं, जैसे साइड देते ना यहाँ पे जैसे साइड वगैरह देते तो इसने कुछ भी नहीं दिया मेरे को, तो अब मैं क्या करूं यहाँ पे बेटा। तो देखो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा वी नो टैन ए इक्वल्स टू वन, हमें पता है बेटा कि टैन ए की वैल्यू क्या है वन। अब ए का है बेटा ये रहा थीटा मेरा, जैसे मैंने आपको समझाया हो बेटा 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और थीटा के नीचे वाला होता है बेस। तो ये तीन चीजें आपको यहां पे मैंने लिख दी। अब ध्यान से देखो tan a, tan का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan का फॉर्मूला होता है p अपॉन b इक्वल्स टू वन। अब p क्या है बेटा मेरे पास, p है मेरे पास bc और a b क्या है मेरे पास ab, तो परपेंडिकुलर है मेरे पास बेटा bc और बेस है मेरे पास ab और इक्वल्स टू में चल रहा है बेटा वन। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा मेरे पास आएगा कि BC और AB जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो ये AB है, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 को AB से मल्टीप्लाई करोगे तो AB ही आएगा, तो इसका मतलब BC और AB बेटा आपस में क्या हो गए यहां पे इक्वल हो गए। बट अभी भी मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं चली है, बस इतना पता चला कि ये इक्वल हो गए। तो अगर ये इक्वल हो गए बेटा तो अब वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसा करता हूं लेट कर लेता हूं एक्स, लेट कर लेता हूं लेट BC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू एक्स, x लेट कर लेता हूं क्योंकि x की जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों की आएगी, तो इसका मतलब p भी मेरे पास x है और b भी मेरे पास x है। मैं क्या करूंगा यहां से पाइथागोरस की थ्योरम लगाऊंगा बेटा और पाइथागोरस थ्योरम से h निकालने की कोशिश करूंगा। तो देखो कैसे लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम बेटा थ्योरम लगाएंगे यहां पे तो मेरे पास क्या आएगा बेटा h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, so h square equals to perpendicular है बेटा मेरे पास x और base भी है मेरे पास x, तो यानी कि x का square plus x का square, तो हो जाएगा h square equals to x square हो जाएगा बेटा 2x square, ये h का square हो जाएगा under root 2x square। फिर मैंने आपको बताया हुआ बेटा ये जो under root है ये 2 का भी है और x square का भी है, तो 2 का under root तो 2 under root ही रहेगा और x square का बेटा x हो जाएगा, तो मेरे पास h की value है ये बेटा under root 2x। अब क्या करना है, अब मेरे पास LHS क्या बेटा, LHS है मेरे पास 2 sin a cos a, तो उसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो पहले मैं sin a की वैल्यू निकाल लेता हूं, sin a, sin का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, sin का फॉर्मूला होता है p by h, अब p क्या है मेरे पास x, h का निकला मेरे पास root 2x, तो x upon root 2x। अब देखो x से x कटेगा तो मेरे पास 1 upon root 2 बचेगा क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं है इसका मतलब 1, तो 1 अपॉन रूट 2 बच जाएगा। ऐसे cos a का निकालेंगे बेटा तो cos a का फॉर्मूला हो जाएगा b by h, अब b भी मेरे पास x ही है बेटा तो b के साथ भी x आ जाएगा और h तो मेरे पास रूट 2 x ही है, अगेन x से x कटेगा तो मेरे पास बचेगा 1 by रूट 2, 1 by रूट 2। अब क्या करना है, अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है 2 sin a cos a, नाउ 2 sin a cos a, 2 into sin a का मेरे पास क्या आंसर आया बेटा 1 by root 2 और into cos a का आंसर कितना है बेटा 1 by root 2। अब ऊपर तो 2 ही आएगा, 2 को 1 से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा और नीचे root 2 को root 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब कट जाएगा ये, कट के कितना आएगा 1, 1 ही तो आना चाहिए, उसने तो बोला था कि इसका आंसर क्या आना चाहिए 1, तो therefore LHS और RHS जो है बेटा यहां पे क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा।